कि ये है मेट्रो लाइन 7 जोगेश्वरी का साइड, ये है मेट्रो लाइन 1 जो कि बन चुका है। यहाँ से मुझे कभी भी ट्रेन जाते हुए दिखता नहीं, जब भी कैमरा ऑन रहता है तब कभी ना कभी पकड़ लूँगा उसको। और ये है मेट्रो लाइन 7A का लेफ्ट हैंड साइड में, अब ये जाएगा और कनेक्ट हो जाएगा टूवर्ड्स द एयरपोर्ट। तो ये सारे के सारे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, पर आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कलानगर जंक्शन, वहाँ पर जो फ्लाईओवर है उसका एक पार्ट खोल दिया गया है, तो वही देखने जाएंगे। ओके, तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं कलानगर जंक्शन के पास। ये आ गया कलानगर जंक्शन के वहाँ का रोड। अब यहाँ पर अगर मुझे बैंड्रा वाली सीलिंग जाना है तो ऊपर फ्लाईओवर से जाना है, पर अभी मैं नीचे से जा रहा हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं टूवर्ड्स कलानगर जंक्शन। अब ये जो जंक्शन है वो काफ़ी क्राउडेड हो जाता है पीक आवर्स पर, तो उसके लिए ही यहाँ पर एक फ्लाईओवर बन रहा है जो कि कलानगर का, उसका मैंने पहले 2 वीडियो डाला है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फ्लाईओवर है। अभी जो क्राउड आप लोग देख रहे हो आ रहा है फ्रॉम द बैंड्रा वाली सीलिंग के साइड से, और साथ ही साथ टाउन साइड से जो भी लोग आते हैं जिनको जाना है BKC, तो सबके सब वहाँ पर जा रहे हैं। सिग्नल खुल चुका है, हम निकल चुके हैं और जैसे कि तुम लोग देख रहे हो पूरा का पूरा भाजीपाला हो चुका है यहाँ पर। अभी तो पीक आवर्स भी है नहीं, ये तो कुछ 11-12 बज रहा है तभी का टाइम है, पर पीक आवर्स पर यहाँ पर भयंकर ट्रैफिक हो जाता है, तो उसको ईज करने के लिए ही फ्लाईओवर बन चुका है। ये जो ऊपर से जा रहा है वो है स्काई वॉक, और इसके ठीक आगे ये आ गया कलानगर फ्लाईओवर, जिसका एक हिस्सा अभी चालू हो चुका है और एक हिस्सा बाद में चालू होगा। तो यहाँ से ले लेते हैं लेफ्ट और यहाँ से चालू होएगा बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में छोटे छोटे बाइक्स रखे हैं, तो वो कुछ इलेक्ट्रिक सर्विस है जो अभी भी चालू हो गया है। ये वाला रोड यूजली कोई लेता नहीं, सब लोग लेफ्ट हैंड साइड वाले रोड से ही अंदर आ चुके हैं। मैं थोड़ा घूम के आया हमेशा की तरह। तो ये सारी की सारी पब्लिक जा रही है टूवर्ड्स द BKC साइड, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी MNC कंपनियाँ हैं, तो वहाँ पर बहुत सारा क्राउड हो जाता है और सबको आने जाने के लिए काफ़ी हद तक एक बहुत ही मेजर रिलीफ हो जाएगा जब ये फ्लाईओवर पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। अभी तो एक हिस्सा कम्प्लीट हो चुका है जो कि अपन देखेंगे, आगे से बस यू टर्न लेना है हमें, पर फिलहाल जो साइड से अपन जा रहे हैं वो साइड बना हुआ है नहीं। ये भी बन जाएगा मोस्टली मेरे ख्याल से, और 3-4 महीने में ये पूरा का पूरा रेडी हो जाएगा। काम ऑलमोस्ट हो चुका है, सिर्फ थोड़ा बहुत बाकी है जो कि होने के कगार पर है। वैसे ये जो रूट है वहाँ से मेरा तो हमेशा आना जाना रहता है नहीं, पर अगर तुम लोग ये वाला रूट यूज़ करते हो तो तुम लोग बता सकते हो कि तुम लोगों को ट्रैफिक में थोड़ा बहुत चेंजेस दिखा है या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन तुम्हारा ही है। तो बस अभी बस नव, जब तक अपन इस ट्रैफिक से थोड़ा आगे जाकर यू टर्न मारते हैं तब तक इस फ्लाईओवर के बारे में थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं। तो ये फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 2017 में, और अभी जाकर इसका इनॉग्रेशन हो चुका है। अभी अभी हुआ है लास्ट 1 मंथ पहले, तो मैं तो यहाँ पे थाने में केरला में गया था, तो जैसे ही मुझे पता चला और जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैंने सोचा इसके बारे में एक वीडियो बना लेते हैं, क्यों ना। तो बस इसीलिए इस फ्लाईओवर का वीडियो काफ़ी लेट आया है, अभी तो ऑलमोस्ट 1 महीने के ऊपर हो चुका है इसका इनॉग्रेशन होके। तो हम लोग आ चुके हैं हमारे यू टर्न पॉइंट से यहाँ से बस यू टर्न लेना है, और जैसे कि तुम लोग देख रहे हो ट्रैफिक अचानक से गायब, तो यहाँ पर ट्रैफिक है नहीं। अभी जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है बैरिकेड्स, वो है मेट्रो लाइन 2B का, और यहाँ से शुरू हो चुका है कलानगर फ्लाईओवर का एक हिस्सा। ये जो फ्लाईओवर है वो है 640 मीटर्स का और 7.5 मीटर्स का पूरा विथ है इसका। तो हमेशा हम लोग नीचे से जाते थे और 2 सिग्नल लगता है, एक सिग्नल यहाँ पर और एक सिग्नल आगे, तो 2 सिग्नल लगता है फिर जाके अपन वो रोड पर कनेक्ट हो जाएंगे जहाँ से अपन जा सकते हैं बैंड्रा वाली सीलिंग डायरेक्टली, पर ये सब के सब अभी स्किप हो चुका है। ये जो राइट हैंड साइड में जो आपको लेन दिख रहा है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आगे बस थोड़े बहुत से काम बाकी है, बीच में सेंटर में लोगों को ग्रिड लगाना है। रोड की क्वालिटी फ़िलहाल इज़ वेरी नाइस, और जैसे कि देख रहे हो तुम लोग बहुत ही स्मूथ रोड है। अब आ चुके हैं इस फ्लाईओवर के एंड में, पता ही नहीं चला फट से आ गए यहाँ पर। ऑपोजिट लेन जो है वो यहाँ से राइट मारकर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, और बस वहाँ पर थोड़ा सा काम बाकी है वो भी हो जाएगा। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है वो है मेट्रो लाइन 2B का पिलर्स, और एकदम लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो है मिटी रिवर। तो मेट्रो लाइन 2B भी थोड़ा बहुत बन रहा है, और ये जो फ्लाईओवर आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड में उसका बस थोड़ा बहुत हिस्सा अभी फ़िलहाल तो पेंडिंग है। तो अभी ये जो हिस्सा जो ओपन हो चुका है पब्लिक के लिए वो तो अपन ने देख लिया इस वीडियो में, बस अभी ऑपोजिट लेन का थोड़ा बहुत काम देखना है, और ये अपन आ चुके हैं फटफट यहाँ पर। पहले थोड़ा बहुत टाइम लगता था, अभी काफ़ी हद तक टाइमिंग सेव हो चुका है लोगों का। यहाँ से बस सीधा जाएंगे तो बैंड्रा वाली सीलिंग आ जाएगा। अभी अपन ने यू टर्न मार लिया है और ऑपोजिट लेन में आ चुके हैं। तो अभी जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पर वापस जाना है, तो यहाँ से ऊपर जाते थे, बस थोड़ा सा काम बाकी है। जैसे कि तुम लोग देख रहे हो यहाँ से ये राइट मार के सीधा सीधा वो साइड में कनेक्ट हो जाएगा, तो
इसका इंतज़ार होगा कि ये कब कंप्लीट हो जाए। अभी तो फिलहाल सारी की सारी पब्लिक यहाँ से लेफ्ट मार के नीचे सिग्नल के लिए रुकेगी, वो इंटरसेक्शन में जो कि अपन ने वीडियो के स्टार्ट में देखा, फिर वहाँ पर सिग्नल का थोड़ा बहुत वेट करने के बाद जाएंगे टूवर्ड्स द बीकेसी साइड। तो यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है, तो वो सबका ईज हो गया है बिकॉज ऑफ दिस फ्लाईओवर। यहाँ पर बीच में मुझे दो तीन पिलर्स लगे हुए दिखे, जैसे कि तुम लोग को दिख रहा है तीन पिलर्स। अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है कौन से फ्लाईओवर का, अगर तुम लोग को पता है तो तुम लोग बता सकते हो। ये अपन आ चुके हैं वापस, अभी जा रहे हैं घर। यहाँ पर मैं हमेशा वेट करता हूँ मेट्रो जाएगा एक बार क्रॉसिंग पर, कभी ना कभी वो भी मिल जाएगा मुझे, वीडियो के स्टार्ट में भी बोला एंड में भी बोला। तो बस ये वीडियो में इतना ही था, यहाँ से राइट अलाउड है नहीं पर फिर भी लोग यहाँ से राइट मारते, कुछ कर नहीं सकते लोगों का। तो बस एक छोटा सा वीडियो मुंबई के लेटेस्ट फ्लाईओवर के ऊपर, मतलब लेटेस्ट मतलब एक महीना हो चुका है पर तो भी लेटेस्ट फ्लाईओवर के ऊपर। तो अगर तुम लोग के पास कोई सजेशन है या कुछ चीज़ देखना चाहते हो तो बता सकते हो मुझे। चलो मैं जा रहा हूँ अपने घर पे, बाय बाय।